हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटेकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देख ली थी क्या एल्केन के प्रिपरेशन के तरीके देख लिए थे। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग एल्केन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे और एल्कीन्स के बारे में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, है ना। ये लेक्चर मैं लिख लिख के पढ़ूंगा यार, किसी की रिक्वेस्ट थी कि लिख लिख के पढ़ाओ, लिखने का टाइम मिल जाता है ज़्यादा तो क्लास फील जैसी आती है, तो बिल्कुल वैसी फील लो और बड़बड़ाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कोर्स बिल्कुल राइट टाइम चल रहा है और समय से ही ख़त्म होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत जल्दी ख़त्म करके कि सितंबर में एंड कर दो, जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एंड कर दो, उससे कुछ नहीं होगा, किसी का भला नहीं होगा उससे, है ना। खासकर जो नॉर्मल लोग हैं, जो 99 और 99.9 तक एम कर रहे हैं उनके लिए, जो 100 वाले हैं या उससे कम वाले हैं उनके लिए तो मतलब जिन्हें नहीं पढ़ना यार, वो तो ये कहेंगे ना कि एक दिन में कोर्स ख़त्म कर दो, आधे दिन में कोर्स ख़त्म कर दो, ऐसे रॉकेट थोड़े चला देंगे यार। जो है जितना समय जिसे लगना उतना तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो हम लोग लेक्चर नंबर 2 के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं अपना। नोट्स हमें कहाँ पे मिलेंगे? नोट्स हमें मिलेंगे dextracamp.in पे जाके, अध्याय पे क्लिक करेंगे और हमें PDF मिल जाएंगे वहाँ पे, है ना। और लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी दिए हुए हैं। एक बात यार और कहनी थी कि जो PYQs हैं वो केमिकल बॉन्डिंग के आ गए हैं, फिर पीरियोडिक के आएंगे, और PYQs लगातार हफ्ते में अब 2 दिन आएंगे आप लोगों के पास, तो वो 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं, मतलब जिस दिन लेक्चर होता है उस दिन नहीं, उनके अलावा 2 दिन आएंगे, तो फिर हफ्ते में 6 दिन लगभग तुम्हारे पास कंटेंट आ रहा है, उतना कंटेंट डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, तो भाई मेहनत से पढ़ाई करो, है ना। चलो अपना मुद्दे की बात पे आ जाते हैं और बात शुरू करते हैं किससे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स से। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में, अब एल्केन्स कैसी हैं? एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने की वजह से वो केवल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही दे पाती हैं। कैसे रिएक्शन दे पाती हैं? केवल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही दे पाती हैं। तो लिख लेते हैं, एल्केन्स बींग सैचुरेटेड। अब मैं डिक्टेट कर रहा हूँ तो यार सामने स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, बस आवाज़ सुनो और लिखो, जो लिखो, लिखने का है वो लिखो। केवल हाइड्रोकार्बन शो ओनली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, शो ओनली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन हमें पढ़ दी है, जो सबसे कॉमन भी और सभी को आती भी होगी, दिस इज हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्काइल हैलाइड में भी ये रिएक्शन यूज होती है और हमें इसे पढ़ना जरूरी भी है। तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में क्या करेंगे हम लोग, जो बचपन से रिएक्शन लिखते हैं, जो 10th क्लास से लिखी है कि Cl2H2 के साथ इसके रिएक्शन कराएंगे। H2 क्या होता है? H2 सनलाइट होती है, ठीक है। जो 11th में वो पहली बार देख रहे हैं और उनके लिए इस रिएक्शन को समझना ज़्यादा जरूरी है। तो ये क्या है? Cl2 क्या है? Cl2H2 सनलाइट है, तो क्या बन जाएगा इससे? CH3 Cl और HCl, फिर Cl2H2 से फिर से रिएक्शन कराएंगे तो CH2Cl2 बन जाएगा, फिर से Cl2H2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन चेन रिएक्शन की तरह चलती जाएगी, और जब तक सारे एच रिप्लेस नहीं हो जाते ये रिएक्शन चलती रहेगी। तो CCl4 बन गया और HCl बन गया, ठीक। इसका नाम DCM है, इसे ध्यान रखेंगे। ये क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। और ये जो अपनी है ये क्लोरोफॉर्म है, ये क्या है? ये अपनी क्लोरोफॉर्म है। ठीक, तो ये रिएक्शन लिख गई आसानी से। तो इसमें क्या किया, एक एक एच हटाते गए और एक एक सीएल लगाते गए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए, तो आसान सी बात है बिल्कुल ही, बहुत ही बढ़िया। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, इसके लिए हमें मैकेनिस्टिक पाथवे भी चाहिए होगा, तो मैकेनिज्म हैंग डाल लेते हैं और मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने का मतलब क्या है कि लिख देते हैं यहाँ पे कि द रिएक्शन गोज बाय फ्री
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम लोग वर्ड्स में देख चुके हैं और ये दूसरी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देख रहे हैं, तो रिएक्शन गोज बाय फ्री रेडिकल। तो देखें कैसे जाएगी, सी एल टू की रिएक्शन एच एन यू से होगी तो इससे टू सी एल रेडिकल बन जाएंगे। जो टू सी एल रेडिकल बने इस रिएक्शन को किस स्टेप को कहते हैं हम लोग, चेन इनिशिएशन स्टेप, क्या कहते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप कहते हैं सर। ठीक, अब जो सी एल रेडिकल बना वो सी एच फोर रेडिकल से मिलके सी एस थ्री रेडिकल और एस सी एल बना देता। जो सी एस थ्री रेडिकल बना वो सी एल टू से मिलके सी एस थ्री सी एल और सी एल रेडिकल बना देता। तो देखो इसमें दो रेडिकल जनरेट हो रहे हैं और ये रिएक्शन आगे ऐसे ही चलती रहेगी, सी एल रेडिकल फिर निकलेगा और फिर सी एच फोर पर अटैक करेगा। तो इससे इसे हम कहेंगे क्या, दीज आर चेन प्रोपगेशन स्टेप्स, क्या है, चेन प्रोपगेशन स्टेप्स। फिर क्या होगा, अब चेन इनिशिएट हो गई, प्रोपगेट हो गई, आगे बढ़ गई, अब क्या होगी, अब टर्मिनेट होगी। जब टर्मिनेट होगी तो क्या होगा भाई, सी एल रेडिकल दूसरे सी एल रेडिकल से मिलके क्या बना सकता है, सी एल टू बना सकता है, या सी एस थ्री रेडिकल दूसरे सी एल रेडिकल के साथ मिलके सी एस थ्री सी एल बना सकता है, या फिर सी एस थ्री रेडिकल दूसरे सी एस थ्री रेडिकल से मिलके सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री बना सकता है। एंड दिस इज कॉल्ड चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप इसे क्या कहेंगे, चेन टर्मिनेशन स्टेप कहेंगे। ठीक, तो चेन क्या हुई, हम लोगों ने पहले क्या किया भाई, चेन इनिशिएट की, प्रोपगेट की और टर्मिनेट की। तो पहले रेडिकल जनरेट किया, रेडिकल जनरेट करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पर अटैक करा के फर्दर रेडिकल जनरेट की, और आखिरी में वो रेडिकल, ये भी तो प्रोबेबिलिटी है कि वो टर्मिनेट कैसे करेंगे, कि एक रेडिकल दूसरे रेडिकल से ही कंबाइन हो जाए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ना जुड़े और सीधे क्या बना दे, टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो हेलोजिनेशन में हम लोग क्या मेनली यूज करते हैं, नोट करके दो पॉइंट लिख लेते हैं, पहला पॉइंट लिखना है कि इन हेलोजिनेशन वी यूज ओनली सी एल टू एंड बी आर टू। अब हम फ्लोरीन क्यों नहीं यूज करते इसका भी रीजन लिख लेते हैं, और आयोडीन क्यों नहीं यूज करते इसके लिए भी लिख लेते हैं। तो फ्लोरिनेशन इज नॉट डन, फ्लोरिनेशन इज नॉट डन एज इट रिएक्ट्स, विग्रसली, बहुत तेजी से रिएक्शन करती है, विग्रसली एंड फॉर्मेशन ऑफ एच एफ अकर्स विच रिएक्ट्स विद सिलिका। एच एफ क्या करता है, सिलिका से रिएक्ट कर लेता और एस आई ओ टू से रिएक्ट कर लेगा, यानी कि कांच से रिएक्ट कर लेगा, विच रिएक्ट्स विद सिलिका, सिलिका मतलब ग्लास, सिलिकेट्स ही होते हैं ग्लास, सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं, सिलिकेट्स हैं वो। सो इट रिक्वायर्स स्पेशल एपरेटस, इट रिक्वायर्स स्पेशल एपरेटस। नंबर थ्री, आयोडिनेशन अब क्यों नहीं करना है, आयोडिनेशन इज नॉट डन क्योंकि सी आई बॉन्ड बहुत क्या होता है, वीक होता है और रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। उस रिवर्सिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए जो एच आई बन रहा है उसे हमें किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एच एन ओ थ्री के साथ ट्रीट कराना पड़ता है। ठीक है, तो आयोडिनेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सी आई बॉन्ड वीक है, और फ्लोरिनेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एच एफ बन रहा है, उसके लिए हमें स्पेशल एपरेटस चाहिए होता है जो कि मिलना मुश्किल होता है, और एच एफ के साथ रिएक्शन बहुत विग्रसली होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, तो उसे हैंडल करना भी मुश्किल होता है। ठीक, बात समझ में आ जाए तो एक बार
यार लिख देना क्या सर, आ गई समझ में। इज नॉट डन एज द रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल, रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एच आई विच इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। यार आई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा तुमसे तो मतलब ध्यान रखना क्योंकि मैं लिख रहा हूँ ना रिड्यूसिंग एजेंट। एंड सी आई वॉन्ड इज ऑल्सो वीक, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि सी एच फोर की रिएक्शन अगर आई टू से होगी तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अरे यार रिवर्सिबल रिएक्शन होगी ये, और इससे सी एच थ्री आई बन जाएगा और एच आई बन जाएगा। एच आई को हम ट्रीट कराने के लिए क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री डाल देंगे। कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री क्या करता है, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में दोबारा नहीं आएगी, ध्यान रखना इस बात का। तो इससे क्या बन जाएगा, आई टू प्लस एन ओ टू प्लस एच टू ओ। तो ली चैटलिए प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा कि एच आई धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और रिएक्शन धीरे धीरे फॉरवर्ड आती जाएगी, ठीक। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में ये भी चेक करना चाहते हैं कि कौन सा बेटर फिनोमिना, कौन ज़्यादा अच्छे से होगा, किसमें यील्ड बेहतर आएगी, किसमें रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो लिख लेते हैं विच इज़ बेटर, विच इज बेटर, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, टू बी और नॉट टू बी क्वेश्चन है ये, क्लोरीनेशन कराएं या फिर ब्रोमिनेशन कराएं। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स विद एल्केन इज क्या होगा, एफ टू सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, फिर सी एल टू, फिर बी आर टू और फिर आई टू, ठीक। एल्केन में सबसे ज़्यादा, अगर सेम एल्केन ले रहे हैं, सिमिलर एल्केन ले रहे हैं, तो एफ टू सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, फिर सी एल टू, फिर बी आर टू, फिर आई टू। तो धीरे धीरे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो हेलोजेंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी उनकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है फॉर एल्केन्स। अब अगर हम एल्केन्स को बदलना शुरू करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन मिथाइल या मीथेन लिख देते हैं, ठीक। और इसका रीज़न क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, यार देखो जो वन शॉट वीडियोस है ना वो एडवांस के टाइम के लिए बने हुए हैं, एडवांस के टाइम पे ही उन्हें देखना। अभी तो मेरे साथ साथ पढ़ लो, अगर वन शॉट से पढ़ोगे तो फिर बहुत मुश्किल आने वाली है, वो बहुत तेज है वीडियो, है ना। तो वन शॉट को मेरी समझ से तो अभी अवॉइड करो, वैसे देखना चाहो तो देख ही लो, मेरे को क्या ही फर्क पड़ रहा है उससे भी, ठीक। अब ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, क्लोरिन की ज़्यादा है। अब रिएक्टिविटी के साथ साथ हमें सेलेक्टिविटी भी देखनी होती है। मान लो कि तुमने रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी देखी, जैसे हम लोग भी लड़ाकू लोग हैं, है ना, हम लोग क्या करते हैं कि लड़ने जाएंगे तो हम रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी देख के देखेंगे ना, कि जो बहुत जोर लड़ता है वो कभी कभी ये भूल जाता है कि अपने औकात से ज़्यादा बड़े आदमी से लड़ लिया, और अपने औकात से ज़्यादा बड़े आदमी से लड़ोगे तो पिटके आओगे। तो ऐसे लोगों से लड़ो जो मत लड़ो, किसी से मत, लेकिन कम से कम देख के लड़ो यार, कम से कम पिटना तो ना ही पड़े, है ना, ठीक है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में क्या होगा, बिटवीन सी एल टू एंड बी आर टू क्लोरीनेशन इज मोर रिएक्टिव
एंड लेस सेलेक्टिव, मोर रिएक्टिव एंड लेस सेलेक्टिव, वेयर एज वेयर एज, अच्छा सा लिख देते हैं, कई लोग मेरे पढ़ नहीं पा रहे हैंड राइटिंग. वेयर एज ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव एंड लेस रिएक्टिव. ठीक, तो ब्रोमिनेशन कैसा है? सेलेक्टिव प्रोसेस. ब्रोमिनेशन ये देख के रिएक्ट कर रहा है कि किस पे रिएक्ट करना है, पूरे मॉलिक्यूल में ढूंढेगा जहां सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा वहां पे अटैक करेगा, जबकि क्लोरीन ऐसा नहीं कर पाता. ठीक, तो अगर रिलेटिव रेट्स लिखें, रिलेटिव रेट्स लिखें तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का हम लिखना चाहते हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का. ये रेट्स तुम्हें याद होने चाहिए, अगर इनके नंबर याद हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, वैसे लिखे हुए मिल जाते हैं लेकिन अगर याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा. ये 1:82:1600 है. ठीक, तो तुम देख रहे हो कि ब्रोमिनेशन 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में 3 डिग्री पे 1600 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है, जबकि क्लोरिनेशन केवल 5 टाइम्स ही ज़्यादा हो रहा है. ज़्यादा वो भी हो रहा है लेकिन 5 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है, और ब्रोमिनेशन 1600 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है. तो अगर हमसे क्वेश्चन आ जाता है, इस बार ही शायद IIT ने एक क्वेश्चन पूछा भी है, इस साल पूछा है या पिछले साल पूछा है, कि कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज यील्ड करनी है. कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज यील्ड करनी है, तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इनटू देयर रिएक्टिविटी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इनटू रिएक्टिविटी इंटू 100. इसे एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे शायद ये कम समझ में आया होगा, कमेंट करके बताओ ये बात समझ में तो कमी आई होगी, तो इसे एक्सप्लेन करता हूँ, इलेबरेट कर दूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा. जैसे अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग एक सवाल लगाने की सोचें, ये सवाल अभी फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, धीरे धीरे सवाल लगाऊंगा तो उससे काफ़ी कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा. एक क्वेश्चन लिख लेते भाई, क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी लिखो, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री ऑफ 1 डिग्री नहीं ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरीनेशन क्लोरीनेशन फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री सब्स्टिट्यूशन इन 2-methyl butane. ठीक, 2-methyl butane में अगर हमें कंपेयर करना, तो 2-methyl butane अगर हम बना के देख लें, पहले क्वेश्चन तो सामने रखता ही है, 2-methyl butane अगर हम बना के देख लें तो 2-methyl butane ये रही. अब इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन्स हमें बताने होंगे कितने हैं, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन्स कितने हैं? 9 है. काउंट करो कौन कौन से हैं, 3 3 और 3 9 है. ठीक, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2. तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2. और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 1. तो ये कौन कौन से 1 डिग्री है? ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है. ठीक, अब इन केस ऑफ क्लोरीनेशन देखें, इसके बाद यार एक वीडियो वो आएगा जो देखना है तो मैं जरूरी है,
अगले लेक्चर से पहले, क्योंकि एल्कीन जब शुरू होगी तो हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस करेंगे, E1 और E2, E1C भी सब कुछ करेंगे इसी में, हाइड्रोकार्बन्स में ही, तो अल्काइलाइट काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे। तो उससे पहले तुम्हें जो कन्वर्जन वाला वीडियो है, जो होमवर्क वाला एक वीडियो एक आने वाला है, इसके बाद आएगा जो ट्यूसडे को तुम लोग देख रहे होगे, मतलब ट्यूसडे को ये वाली वीडियो देख रहे होगे, तो वेस्डे या थर्सडे में वो एक आएगा वीडियो, उसके बाद फिर अल्काइलाइट आगे बढ़ेगा, पहले वही वीडियो आएगा, वो ज़रूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। अभी एक मैं क्वेश्चन कराऊंगा, देखना तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। इन केस ऑफ क्लोरीनेशन क्या होगा, परसेंटेज यील्ड ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू कितने हाइड्रोजन थे, 9 × 1 डिवाइडेड बाय 9 × 1, रिएक्टिविटी 2 डिग्री के लिए कितनी थी, 3.8, और 1 × 5 × समेशन का मतलब समझे कि रिएक्टिविटी इंटू हाइड्रोजन, मतलब रिएक्टिविटी कितनी है और कितने हाइड्रोजन हैं, तो ये कितना आ जाएगा, इसे अगर सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 41.67% आ जाएगा। ठीक, परसेंटेज यील्ड ऑफ 2 डिग्री प्रोडक्ट अगर निकालोगे, परसेंटेज यील्ड ऑफ 2 डिग्री प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, 2 × 3.8 डिवाइडेड बाय 9 × 1 प्लस 2 × 3.8 इन प्लस 5 × 100। इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 35.18%, और इन दोनों को जोड़ के अगर 3 डिग्री के लिए निकालना चाहो तो 3 डिग्री के लिए फॉर्मूला लिख लो, वैसे 100 में से माइनस कर दोगे तब भी आ जाएगा, तो परसेंटेज यील्ड फॉर 3 डिग्री प्रोडक्ट आ जाएगा 5 × 1 डिवाइडेड बाय 9 × 1 प्लस 2 × 3.8 इंटू सॉरी इंटू नहीं प्लस 1 × 5। यार कुछ कुछ गड़बड़ लिख जाता तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत सारा लिखना होता है, कुछ हाथ हिल जाता बस लिखने में ना, तो ये 5 upon क्यों लिखें, इसका सीधे आंसर लिख देते 23.15 आएगा। ठीक, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। ठीक, इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क क्या है, इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन फाइंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ 2 मिथाइल, सेम कंपाउंड ही ले लेते हैं जिससे तुम्हें अंतर पता लगे, है ना। कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आया, 1 डिग्री की यील्ड कितनी आई, 2 डिग्री की कितनी आई और 3 डिग्री की कितनी आई, और जो रेट है वो ऊपर लिखा हुआ है वहाँ से देख लेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है पेपर में, अक्सर पूछा जाता है, ऑन मोनोक्लोरीनेशन द नंबर ऑफ products obtained, या ऐसा लिख देते हैं, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सही कर देते हैं, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड ऑन मोनोक्लोरीनेशन ऑफ 2-methyl butane एंड ऑल्सो फाइंड आउट how many of them are obtained after fractional distillation। ऐसा क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, आता रहता है ना, तो जरा ध्यान से देखना कि हमने क्या बनाया, हमने बनाया 2-methyl butane।
अब इसका मोनोक्लोरीनेशन कराना है तो कहाँ कहाँ करा सकते हैं? देखो, एक दो तीन चार करा सकते हैं, ठीक, चार जगह करा सकते हैं। तो फोर प्लेसेस आ गए, फोर पोजीशंस आ गई, ठीक। अब जरा देखना, अगर हम प्रोडक्ट बना ही दें, यहाँ पे लगा दें, तो ये कार्यालय है, तो इससे दो बनेंगे, और जब यहाँ पे लगा दिया तो ये कायरल हो गया, तो इससे भी कितने बनेंगे? दो। तो एक एक तो हम पहले ही काउंट कर चुके थे, तो दो और काउंट करने होंगे, तो टोटल कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने आ जाएंगे? सिक्स आ जाएंगे। चाहो तो बना के देख लो, चार बन गए ये, और बना देता हूँ, एक ये बना पाँच, और एक ये बना छः। तो टोटल कितने आ गए? छः प्रोडक्ट आ गए, ठीक, जिनमें से दो ऑप्टिकली एक्टिव आ गए। ये कैसे हैं? दो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ऑप्टिकली एक्टिव है ये। अब जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, देखो, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी कैन नॉट सेपरेट इनेंशियोमर्स एज देयर बॉइलिंग पॉइंट इज सेम। बॉइलिंग पॉइंट इज सेम, उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? सेम। या बॉइलिंग पॉइंट सेम है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो जरा देखना कि हम क्या लिखेंगे। सो ओनली फोर प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेंड, ओनली फोर प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेंड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो ये सिंपल सी बात है, ऐसे सवाल आए तो कर देना भाई, गलत मत करना, है ना? आसानी से समझ में आ रही मेरी बात? तो ये बात हो गई हेलोजिनेशन की, यही सबसे बड़ा होता है, इसी में सबसे देर लगती है। अब बात करते हैं नाइट्रेशन की। अब छोटे छोटे से हैं, फटाफट लिख देते हैं। नाइट्रेशन की बात करते हैं, नाइट्रेशन क्या होता है? तो लिखते हैं लोअर एल्केन्स डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। बट लॉन्ग चेन एल्केन्स अंडरगो नाइट्रेशन। तो स्मॉल चेन एल्केन जो होते हैं वो नाइट्रेशन में जल्दी से रह जाते हैं, लेकिन बड़ी चेन जिनकी होती है उनका नाइट्रेशन इजीली हो जाता है। अब नाइट्रेशन जब होता है, क्योंकि विग्रस कंडीशंस ही लगानी पड़ेंगी, तो नाइट्रेशन कराने के लिए जब विग्रस कंडीशन लगाएंगे तो उस टाइम पे CH बॉन्ड भी टूटेगा और CC बॉन्ड भी टूट जाएगा, ठीक। तो लिखो ड्यूरिंग नाइट्रेशन ड्यूरिंग नाइट्रेशन क्या होता है? CH बॉन्ड एज वेल एज CC बॉन्ड ऑल्सो क्लीव्स। CH बॉन्ड भी टूटता है और CC बॉन्ड, दोनों बॉन्ड ही टूट जाते हैं। तो CH4 की रिएक्शन अगर हम HNO3 से कराएं, तो हमें इसे बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, यानी 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे, तो इसमें तो CC बॉन्ड है ही नहीं, तो केवल एक ही टूटेगा। लेकिन अगर हम प्रोपेन ले लें, तो देखो क्या क्या बन जाएगा उससे।
क्या क्या बनेगा इससे? इससे बनेगा CH3 CH2 NO2 एक प्लस CH3 CH NO2 दूसरा। अब CC बॉन्ड तोड़ दो, जब CC बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या बनेगा? CH3 NO2 भाई यहाँ से इस बॉन्ड को क्लिप करके NO2 दोनों तरफ दे दो प्लस CH3 CH2 NO2, तो टोटल चार प्रोडक्ट बन गए बन गए। तो CC बॉन्ड भी टूटता है और क्या टूटता है, और CH बॉन्ड भी टूटता है, दोनों टूटते हैं। ठीक है, इतनी बात आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन जो नॉर्मल एल्केन्स होती हैं, लोअर एल्केन्स, वो सल्फोनेशन नहीं करती। तो लिख देते हैं लोअर एल्केन्स डू नॉट अंडरगो सल्फोनेशन। तो लिख देते हैं एन हेक्सेन इज द स्मॉलेस्ट एल्केन एनहेक्सेन इज द स्मॉलेस्ट एल्केन विच कैन अंडरगो सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन कराते हम किससे? ओलियम से। और ओलियम हम केमिकल बॉन्डिंग से जानते हैं क्या होता है, हीट इसे ऑब्वियसली करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सल्फोनेशन की बात हो गई। ठीक, आसान बात है, समझने में कोई दिक्कत इसे नहीं आएगी। अब बात करते हैं छोटी छोटी रिएक्शन से, थोड़ी थोड़ी वो भी कर ही लेते हैं। एंड डालो पायरोलिसिस जो NCERT वाली रिएक्शन है, मेंस में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, ये जरूरी है करना है ना, इसलिए जरूरी लिख रहा हूँ। पायरोलिसिस को हम लोग क्रैकिंग भी कहते हैं। ठीक, तो पायरोलिसिस क्या होती है? डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस बाय हीट इज कॉल्ड पायरोलिसिस। तो लिख देता हूँ पायरोलिसिस क्या होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड बाय हीट इज कॉल्ड पायरोलिसिस। ठीक, तो जैसे C2H6 की पायरोलिसिस होती है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे Cr2O3 की प्रेजेंस में, तो इससे एल्कीन बन जाती है और हाइड्रोजन बनती है। C3H8 की पायरोलिसिस होगी तो इससे प्रोपीन बनेगी और हाइड्रोजन बनेगी। अगर इसकी हम Al2O3 के साथ कराते हैं और 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लेते हैं, तो इससे एल्कीन बन जाती है और एल्कीन बन जाती है। ठीक, इथीन बन जाएगी और मीथेन। ये बिल्कुल रिएक्शन याद करने वाली हैं, रिमेंबर देम, दे आर इम्पॉर्टेंट है ना। मैं लिख देता हूँ रिमेंबर देम। इम्पॉर्टेंट है ये, अब जो रिएक्शन लिख रहा हूँ 5 मिनट के लिए, ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इन्हें बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत है हमें और हम याद रखेंगे। क्योंकि मतलब सीधे सीधे इस बार एडवांस में पूछ ली थी कि CH4 की रिएक्शन वाटर से करा रहे, CO और NI की प्रेजेंस में, तो वाटर गैस निकल रही, तो ऐसे सवाल आ जाएंगे तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें पता ही होने चाहिए। तो रिएक्शन विद स्टीम, रिएक्शन विद स्टीम कैसे लिखेंगे? CH4 की रिएक्शन वाटर से कराई है इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड 1273 केल्विन। ठीक, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 800 करें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो CO+3H2 बनेगी। ठीक,
अब कंबशन रिएक्शन साइड डाल लेते हैं। कंबशन रिएक्शन कैसे हो सकता है? कंबशन या तो कंप्लीट हो सकता है या इनकम्प्लीट हो सकता है। जब कंप्लीट कंबशन होता है तो सी ओ टू बनती है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो सी ओ बनती है। तो हम सब लोग जानते ही हैं गैस एडियोमेट्री से भी। तो कंप्लीट कंबशन की बात कर रहे हैं, कंप्लीट कंबशन की बात करें तो सी एच फोर की रिएक्शन ओ टू से कराएंगे तो सी ओ टू प्लस टू एच टू ओ बनेगा, और इनकम्प्लीट कंबशन कराएंगे तो सी एच फोर की रिएक्शन लिमिटेड सप्लाई ले लेंगे तो इससे सी ओ और टू एच टू ओ बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल रिएक्शन है, तो रटना ही है और कोई नहीं करना। इसके बाद कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है, जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है वही मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल एनसीईआरटी वाली रिएक्शन है। चाहता तो पहले से लिख के लाता, लेकिन यार अब तुम लोग दोनों लोग ये मतलब सब लोग ये बताना कमेंट करके कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है, जो साथ साथ लिखने वाला है तरीका। स्पीड इसमें ही बन जा रही है मेरी तो, ठीक है, तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर है या फिर मैं पहले से जो लिख के ला रहा हूँ उसे एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेहतर तरीका है। तो ऑर्गेनिक तो ज़्यादातर मैं लिख लिख के ही पढ़ाऊँगा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात करें तो सी एच फोर की रिएक्शन अगर हम ओ टू से कराएं, सी एच फोर की रिएक्शन अगर हम ओ टू से कराएं और किससे कराएं, कितने टेम्परेचर पे कराएं, 573 केल्विन टेम्परेचर ले लें। 573 साफ साफ लिख देते हैं, 573 केल्विन टेम्परेचर ले लें, कॉपर की ट्यूब लें, ठीक, कॉपर की ट्यूब लें, सी यू ट्यूब है तो सी यू अलग लिख देते हैं, कॉपर की ट्यूब लें और 100 एटीएम तक प्रेशर लगाएं, तो इससे मेथनॉल बना सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, छोटी छोटी रिएक्शन से सीरियल नंबर डाल के लिख देते हैं। सी एच फोर की रिएक्शन ओ टू से कराएं, इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड एंड प्लेटिनम के साथ हीट करें तो इससे फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता। ठीक, अगर हम कोई एल्केन ले लें, RCS3 ले लें और इसका ऑक्सीडेशन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ Ag2 और हीट करें तो इससे एसिड बन जाते हैं। और अगर हम कोई आइसोब्यूटेन टाइप का ले लें और इसका ऑक्सीडेशन हम कराएं एल्काइन KMnO4 से तो इससे एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, इन्हें हम लोग याद रखेंगे, कोई इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब अगली रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। लग रहा है यार एल्कीन अगली क्लास में ही शुरू करें, क्योंकि ये क्लास फिर बहुत लंबी जाएगी। एल्कीन एक बार फ्लो में शुरू करूंगा तो फिर प्रिपरेशन एक ही दिन में पढ़ा दूंगा पूरी, है ना। तो ये एन हेक्सेन है, नहीं मतलब प्रिपरेशन एक दिन में तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि एल्कीन जब प्रिपरेशन करेंगे तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल करेंगे और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। E1 और E2 दोनों यहीं पढ़ के ख़त्म कर देंगे, एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड वाली भी। तो Cr2O3 Al2O3 के साथ रिएक्शन कराई 600 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 ATM तक तो इससे C6H6 बेंजीन बन गई इससे। ठीक, फिर इसके बाद आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, ये भी मतलब बिल्कुल ऐसी रिएक्शन है इनका बिना सिर पैर के इनमें कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। आइसोमराइजेशन रिएक्शन हैं, इनका क्या करेंगे कि मान लेते हैं हमने ब्यूटेन ले ली, नॉर्मल ब्यूटेन ले ली और AlCl3 के साथ इसे HCl के साथ हीट किया 573 केल्विन तक, 573 मतलब 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इससे क्या बन गई, इससे
आइसोब्यूटेन बन गई, तो ये आइसोमराइज कर गया। ठीक, तो ये बात हो गई भाई लोगों एल्केन तक की, लगभग 40 मिनट हो गए हैं क्लास करते करते, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को यहीं रुक जाना चाहिए और अगली क्लास में हम लोग एल्केन फ्रेश शुरू करेंगे। तुम लोगों का भी यही मानना होगा, मेरा मानना अगर ऐसा है, मैं अभी शुरू कर दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आया, क्योंकि अब जब शुरू होगी बात तो फिर बहुत लंबी जाएगी। हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल ही एक क्लास में कर पाएंगे, अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन वो सब सीखेंगे तो टाइम लगेगा उसमें, तो एक क्लास मान लो कि अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में लग जाएगी। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सब लोगों को अटेंड करनी जरूरी है। ठीक है, ये क्लास छोटी रही तो हम लोगों ने लगभग 1.5 घंटे में एल्केन ख़त्म कर लिया, ये हम लोगों की अचीवमेंट है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अगली बार, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहो और अच्छे से सवाल लगाते रहो, PYQ सीरीज आ रही है लगातार, क्वेश्चंस करते रहो। ठीक है, और शीट अपडेट भी हो गई है यार, वो पढ़ गई है, उसे देख लेना। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।